हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फोर क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। और आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा डाइजेशन एंड डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, की डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उन वो किस तरह से अपने फूड को जो है खाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बेटा जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम इजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उनको हमें सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है, तभी हमें जो है उनसे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और इसके लिए हमें उनको डाइजेस्ट करना होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। सो क्या होता है डाइजेशन, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसको फिर हम इजिली उससे क्या ले लेंगे, हम उससे जो है एनर्जी हम लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ मेथड ऑफ टेकिंग फूड इन टू देयर बॉडी। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग मोड है कि किस तरह से वो अपना फूड जो है अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। एवरी एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स फॉर टेकिंग फूड इन साइड इट्स बॉडी। जो भी हर एक एनिमल है बेटा उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेकर जाते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, ठीक है, ह्यूमन बींग जो है उसके अंदर उसको क्या है, उसके पास क्या है, माउथ है जिससे वो फूड इनटेक करेगा। इसके अलावा बेटे अगर हम फ्रॉग देखें तो फ्रॉग के पास क्या होती है, उसकी लंबी जो है क्या होती है, टंग होती है ना, जिससे वो एनिमल्स को जो है क्या करता है, इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है। उसके अलावा देखिए बटरफ्लाई है, जो हनी बी है, तो इनके पास क्या है, इनके पास एक इस तरह से पूरा लंबा एक डंग होता है जिससे कि वो जो है नेक्टर है उसको क्या करते हैं, सक करते हैं। सो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फॉलोइंग एनिमल्स। तो देखिए नेम ऑफ एनिमल दिया गया है, आपको बताना है कि इनका फूड का काइंड क्या है, काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग, कि उन जो वो फीड यानी वो जो फूड अंदर लेते हैं उसका क्या प्रोसेस है, दैट इज द मोड ऑफ फीडिंग। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल, वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। तो नीचे जो है कुछ अलग अलग मोड दिए गए हैं। देखिए स्क्रैपिंग दिया गया है बेटा, ये वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं, अब हम रिविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे मोड ऑफ फीडिंग हम पहले ऑलरेडी जो है इसी तरह एक टेबल के फॉर्म में कर चुके हैं। तो स्क्रैपिंग है, चूइंग है, साइफनिंग है, कैप्चरिंग, स्वॉल्विंग, स्पंजिंग एंड सकिंग, ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम इसमें करेंगे अलग अलग एनिमल्स उनका काइंड ऑफ फूड। फर्स्ट दिया गया है स्नेल, सो स्नेल का क्या होगा, काइंड ऑफ फूड दैट विल बी ग्रास, ओके, एंड मोड ऑफ फीडिंग रहेगा स्क्रैपिंग, ठीक है, क्या रहेगा, स्क्रैपिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंट, एंट ये जो है फूड पार्टिकल्स पे डिपेंड रहती है, सो यहाँ लिख देंगे हम फूड पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, फूड पार्टिकल्स, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या रहेगा, चूइंग। नेक्स्ट देखिए ईगल, ईगल किस पे डिपेंड रहता है, ईगल जो लार्ज इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा लेता है, एंड स्मॉल जो जो है एनिमल्स होते हैं उनको ये खा लेता है, लाइक रैट है। सो इसका जो मोड ऑफ फीडिंग रहेगा वो रहेगा दैट इज कैप्चरिंग एंड स्वॉल्विंग, ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो कैप्चरिंग एंड स्वॉल्विंग, कैप्चर करता है एंड स्वॉल्विंग, SWALL, ठीक है, OWING, स्वॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद देखिए हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड ये नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, एंड इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या रहेगा, दैट इज सकिंग, ठीक है, सकिंग। नेक्स्ट देखिए लाइस, लाइस जो बेटा हेयर्स में होती है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसको वो सक करती है, दैट इज ब्लड एंड मोड ऑफ फीडिंग दैट विल बी सकिंग। नेक्स्ट देखिए मॉस्किटो आल्सो डिपेंड ऑन ब्लड एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज विल बी सकिंग। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई दैट इज द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, एंड मोड ऑफ फीडिंग दैट विल बी साइफनिंग, ठीक है, साइफनिंग।
साइफनिंग में क्या होता है ना बेटा, जैसे हम स्ट्रॉ से जो है जूस पीते हैं, आप इस तरह वो मेथड क्या होता है, दैट इज द साइफनिंग मेथड। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई ऑल्सो इट डिपेंड ऑन फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स, ठीक है। एंड रॉटन आप लिख सकते हो, फूड पार्टिकल जो गले सड़े पदार्थ होते हैं, रॉटन, रॉटन मटेरियल्स, उनके ऊपर ये बैठती है, ठीक है। सो इसका क्या रहेगा, ऑल्सो साइफनिंग। नेक्स्ट देखिए फ्रॉग, फ्रॉग में हम लिखेंगे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अपनी टंग से पकड़ता है और उनको स्वेल कर जाता है, ठीक है, निगल जाता है, तो इसमें लिख देंगे हम सॉल्विंग। नेक्स्ट देखिए स्टारफिश, स्टारफिश में ये किसको ईट करेगी, स्मॉल फिशेस को, जो इससे स्मॉल फिशेस हैं उनको ईट करती है, एंड ऑल्सो मोड ऑफ फीडिंग दैट विल बी सॉल्विंग। वॉल लिजार्ड दैट इज इंसेक्ट्स, एंड ऑल्सो मोड ऑफ फीडिंग विल बी सॉल्विंग। नेक्स्ट इज स्नेक, स्नेक दैट इज इट डिपेंड ऑन रैट्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो, ओके, इट द मोड ऑफ फीडिंग दैट विल बी, ये चबाता नहीं है, ये भी सॉल्विंग यानी निगल जाता है, ओके बेटा। तो ये जो है आप कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से अपनी वर्कशीट, और फिर इनको सारे मेथड्स को याद भी करेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।